नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबर के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराक पास, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की है दवाई। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कसौली में स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ खुराक को पास कर दिया है। सिंगल डोज वाली ये वैक्सीन गंभीर बीमारी को रोकने में 85% प्रभावी है। इस दवा और जाइडस कैंडिला की दवा बच्चों के लिए उपलब्ध होने से अब बच्चों के प्रतिरक्षण को बल मिलेगा। ये दवा इस समय सबसे आवश्यक थी क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए कोई कोरोना रोधी दवा उपलब्ध नहीं है। अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की दवा ने जिन 6 बैच को पास किया गया है वे केवल निर्यात की जाएंगी, इनका प्रयोग भारत में नहीं होगा। वहीं विगत दिनों इसी प्रयोगशाला द्वारा जाइडस कैंडिला की डीएनए आधारित वैक्सीन के लगभग 1.5 लाख डोज भारतीय बाजारों में बच्चों के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी पैमानों पर परखने के बाद उपलब्ध करवा दिए हैं। इस समय देश के लगभग हर प्रांत में बच्चों के स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और इस समय बीमारी की तीसरी लहर की आशंका सबसे ज्यादा बनी हुई है। छोटे बच्चों को ना तो कोरोना अनुरूप व्यवहार का पता है और ठंड के मौसम में उनका सर्दी जुकाम बुखार से प्रभावित होने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। अब उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले कुछ महीनों में बच्चों को ये खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी और हमारे बच्चे फिर से स्कूलों में बेखौफ होकर पढ़ाई कर सकेंगे। वैसे केंद्र सरकार द्वारा जाइडस कैंडिला कंपनी के 3 खुराक वाले इंजेक्शन रहित टीके की 1 करोड़ डोज सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।